हेलो दोस्तों, स्वागत है सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आप लोगों ने विश किया था कि भाई एक मैथ पजल लेके आओ, तो आज के इस वीडियो पे आएगा कुछ मैथ पजल। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सोचो और हो सके तो कमेंट करो, ठीक है, कि आप लोग कितना कर पाए, कितना पजल का उत्तर आप लोग दे पाए, तो मैं आपके आंसर को वेट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आज का ये ऑसम पजल। तो दोस्तों मेरे पास कुछ कागज हैं, तो मैं अभी पजल नंबर वन, ठीक है, ये मैं एकदम बचपन से जानता हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि ये आपको पूछा जाए, आप लोग कितने दिमाग लगा सको, ठीक है। तो दोस्तों इधर आपके सामने दो दो जार है, ठीक है। मैं ड्राइंग में सच में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ये एक कटोरी है, ये भी एक कटोरी है, देख के नहीं लगता है लेकिन आप लोग समझ लीजिए प्लीज़। तो इस कटोरी में 5 लीटर पानी होता है और इसमें 3। तो दोस्तों आप लोगों को दिया गया है ये दो, ठीक है, बोला गया है कि ये दो कटोरी यूज करके आप लोगों को 4 लीटर पानी लाना है, तो आप लोग कैसे लाओगे, यही है पहला पजल, ठीक है। ये है कटोरी, इसमें 5 लीटर पानी होता है और इसमें होता है 3 लीटर। तो आपको ये दो खाली कटोरी दिया गया है और बोला गया है कि तालाब से 4 लीटर, एग्जैक्ट 4 लीटर पानी लेके आओ, तो आप लोग कैसे करोगे। हो सके तो वीडियो को पॉज करके सोचो, और अगर आप जानते हो तो अभी कमेंट करो, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी आंसर दे देता हूं। तो दोस्तों आप लोग के पास ये है, तो आप क्या करोगे, आप पहले 3 लीटर कटोरी से पूरा 3 लीटर पानी इसके अंदर डालोगे, तो इसके अंदर 5 के अंदर कितना जगह बचेगा, इसके अंदर 3 लीटर डाल दिए तो 2 लीटर बचेगा। अब फिर से आप 3 लीटर कटोरी को पूरा भरो, उसको पूरा इसमें डालो, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें अंदर जो 2 लीटर था, 2 लीटर का जगह बचा था वो भर जाएगा, और इसके अंदर 3 लीटर के अंदर रह जाएगा 1 लीटर, ठीक है। तो 3 के अंदर रहेगा 1 लीटर। अब आप ये कटोरी पूरा खाली कर दो, ठीक है, और 3 लीटर के कटोरी के अंदर जो 1 लीटर पानी है उसको इसके अंदर डालो, और फिर और एक 3 लीटर ऐड कर दो, तो हो गया 4 लीटर। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं पजल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ये है एक मजेदार पजल, पजल नंबर 2। तो आप लोगों के आप लोग देख सकते हो 5 + 5 + 5 + 5 = 5 5 5। दोस्तों ये तो बहुत ही है मजेदार। तो इस पजल का मतलब क्या शर्त है, वो है आपको सिर्फ एक लाइन इधर ऐड करना है और ये एकदम एक्चुअल में हो जाएगा, ठीक है। ये तो असंभव लग रहा है अभी, क्योंकि कैसे होगा ये, लेकिन आप लोगों को एक पेन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप सिर्फ एक लाइन यूज करो और ये एकदम करेक्ट बना, ठीक है। तो अगर आपने नहीं सोच पाया तो अभी वीडियो को पॉज करके सोचो, और हो सके तो कमेंट करो, ठीक है। तो मैं आंसर दे देता हूँ। दोस्तों इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार है। आपको सिर्फ इधर ये जो प्लस देख रहे हैं 3+, आप ये भी कर सकते, इधर भी एक कर सकते हैं, या फिर आप इधर भी कर सकते हैं, इधर एक लाइन खींच देने के बाद ये हो जाएगा 5 + 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 + 5 = 5 +
तीन की तरफ, जो कि है मेरा एकदम फेवरेट। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको एकदम आप लोगों को बताया गया कि इसको प्रूफ करो, ठीक है। 19 - 1 = 20, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? ये एकदम पजल है दोस्तों, ठीक है, इसको पजल की तरह ही लो। 19 - 1 = 20, ये आप कैसे प्रूफ करोगे? ठीक है, तो जल्दी से सोचो और जवाब दो हो सके। तो मैं जवाब दे रहा हूं, तो चीटिंग मत करना। अगर हो सके तो आपको अगर जवाब पता है तभी कमेंट करना, और अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि भाई थैंक यू, आपने ये सिखा दिया। तो यही है बात, बहुत लोग उत्तर देखने के बाद बोल देते हैं कि मैं, मुझे पता था। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको कैसे प्रूफ किया जाए, ठीक है, एकदम बहुत ही एक पेचीदा तरीका है। तो चलिए उसको करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग रोमन नंबर में लिखेंगे 19 को कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ठीक है दोस्तों, ये है 19 - 1, ऐसे लिखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, और 20 को कैसे लिखते हैं, 20 को 2x लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हो 19 से अगर मैं 1 को, ठीक है, 1 को माइनस कर दूं, ठीक है, इसको इसको इधर से माइनस कर दूं, मतलब ये घट गया इससे, तो क्या बच जाता है, ये
तो यही है दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि आपको ये पजल की तरह लो, तो ये हो गया प्रूफ, 19 माइनस 1 इज इक्वल टू 20। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कर दीजिए अपने दोस्त के साथ शेयर। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छे मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही मजेदार मजेदार चीज सीखते रहिए।